अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है वोकैबलरी। वोकैबलरी का अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब बेसिकली होता है बोल चाल। बोल चाल को हम वोकैबलरी बोलते हैं। जैसे सबके देखो बोलने का तरीका अलग होता है, तो जिस भाषा जिस तरीके से आप बोलते हो, बॉडी ऑफ वर्ड यूज इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, जिस भाषा में आप बोलते हो वो आपकी वोकैबलरी बताता है। वोकैबलरी को ही और वुडस्टॉक लेक्सिकन और लेक्सिस भी कहा जाता है, ठीक है। वोकैबलरी में बेसिकली उन शब्दों को गिना जाता है जिसे आसपास के लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रहते हैं मिडिल इंडिया में, तो हमारी जो वोकैबलरी है उसमें जो भाषा ज्यादातर आती है वो क्या है, हिंदी है। लेकिन आप दूसरे स्टेट्स में जाओगे तो नॉट नेसेसरी ऐसा ही हो, है ना। तो बेसिकली वोकैबलरी का इम्पोर्टेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी से आप बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो क्यों इम्पोर्टेंट है वोकैबलरी? तो रीजन नंबर वन, वोकैबलरी जो होती है उससे हमें ये पता लगता है कि लोग क्या बोल रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक। दूसरी बात, हम अपनी बातों को ज्यादा बेहतर मीनिंग दे सकते हैं। इट गिव अस एबिलिटी टू आर्टिकुलेट क्लियरली व्हाट वी मीन। हम क्या कहना चाहते हैं दूसरे को बेहतर समझा सकते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, इससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग बूस्ट होती है। जितना अच्छा हम बोल सकेंगे, अमिताभ बच्चन को देख लो, इतना अच्छा बोलता आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, आप एंगेजिंग वे में किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, लोग आपसे जुड़े रह सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन दूसरों पर पड़ता है। तो क्वेश्चन अगर आया तो आपको समझ आ गया क्या करना, राइट। अच्छा, किन वर्ड को सुनना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि अभी क्या है, जब तक हम बड़े हो रहे हैं, ग्रो ओल्डर हो रहे हैं, हजारों शब्द हमारे सामने आएंगे, पर सारे शब्दों को हमें याद रखना जरूरी नहीं है। हमें वो शब्द याद रखने हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो हम रिपीटेडली सुनते हैं, ठीक है, और जिनको हम रेगुलरली यूज करते हैं अपनी लाइफ में। हमें उन शब्दों को सुनना और ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वोकैबुलरी अलग अलग तरह की होती है। जैसे कुछ होती है लिस्निंग वोकैबुलरी, ठीक है, इसका मतलब बेसिकली होता है वो शब्द जो हम हियर करते हैं और समझते हैं, जो सुनते हैं और समझते हैं। एक एडल्ट जो होता है वो 50,000 वर्ड तक आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको सुन के समझ सकता है। दूसरी होती है स्पीकिंग वोकैबुलरी। जो भाषा हम बोलते हैं बेसिकली वो स्पीकिंग वोकैबुलरी कहलाती है। बेसिकली ये माना जाता है कि हम 10,000 शब्दों तक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है रीडिंग वोकैबुलरी। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसकी जो भाषा है अगर हमें समझ आ रही है तो रीडिंग वोकैबुलरी कहलाती है। देन बारी आती है राइटिंग रूप वोकैबुलरी की। जब आप कुछ लिखते हो तो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हो राइटिंग वोकैबुलरी कहलाती है, ठीक है। तो ये इसके क्या होगा मेन टाइप्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। और कैटेगरी बनाना है तो आप इसकी बना सकते हो, क्या एक बना सकते हो एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव और दूसरी ओरल एंड रिटन। तो जैसे हम बात करते हैं एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव की, तो इसका मतलब ये होता है जिस भाषा से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो या दूसरों से जो भाषा सुनते हो उसको एक्सप्रेसिव या रिसेप्टिव बोलते हैं। और ओरल या रिटन वोकैबुलरी कहते हो तो आप जो बोलते या लिखते हो वो ओरल या रिटन वोकैबुलरी बनती है। आई होप आपको ये कैटेगरी समझ आ गई और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आपको अगर अपनी वोकैबुलरी सुधारनी है, अपनी बोलचाल की भाषा सुधारनी है, तो किन किन बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा? सबसे पहला, आप जब कोई भी भाषा का इस्तेमाल करने जा रहे हो, वोकैबुलरी का इस्तेमाल करने जा रहे हो, आपको कई सिनोनिम मिलेंगे, मतलब सिमिलर मीनिंग होगी इसका, देख कर इस्तेमाल करो। बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे कॉनोटेशन मिलेंगे मतलब जुड़े हुए शब्द मिलेंगे, बहुत सारे एंटोनिम्स मिलेंगे, बहुत सारे कोलोकेशन मिलेंगे तो रिलेशनशिप मिलेंगे, बहुत सारी कहावतें मिलेंगी, बहुत सारे फ्रेजल वर्ड्स मिलेंगे, आपको इनका ध्यान रखना है। और अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए क्या करो, कुछ बातों का ध्यान रखो, मतलब इन पॉइंट्स का ज्यादातर केयर करना। सबसे पहली, शब्दों से बहुत अवेयर रहो, ठीक, शब्दों को अवॉइड नहीं करना है पर यूज करने से पहले 10 बार एग्जामिन जरूर कर लो। देन रीड वोकेरियसली, इसका मतलब वोरेशियसली, इसका मतलब होता है ऐसी किताबें चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट आए। जितना पढ़ोगे आपका शब्द ज्ञान उतना ज्यादा बढ़ेगा। डिक्शनरी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। एक जर्नल मेंटेन करो जिसमें नए वर्ड्स को आप लिखते रहो। नए शब्दों का इस्तेमाल करने से हिचकिचाओ हिचकिचाओ मत। ज्यादातर लोगों से बात करो, नए वर्ड्स की स्टडी करो, अपने रूट्स पे जाओ। रूट्स पे जाने का मतलब ये होता है कि आपकी जो बेसिक भाषा है आप उसका हमेशा ख्याल रखो। ज्यादा से ज्यादा वर्ड पजल्स बनाओ तो आपकी वोकैबुलरी सुधरेगी। तो ये IMPS को अच्छे से करना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है
कॉनोटेशन, ठीक है। कॉनोटेशन मतलब होता है बेसिकली वो शब्द जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के नेम की मीनिंग बताते हैं, एक तरह से क्वालिटी बताते बोल सकते हो। जैसे फैट और चबी, ठीक, दोनों ही जो है कहीं ना कहीं एक ही भावना बताती है कि बंदा क्या है, मोटा है। फैट जो है नेगेटिवली बताता है मोटा, और चबी बोलने से पॉजिटिव सेंस आता है। वैसे होम और हाउस तो एक ही चीज है ना दोनों, पर दोनों का थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है। जैसे होम क्या है, आपका रहने वाला घर, इसमें क्या था फीलिंग आती है, और हाउस मतलब एक स्ट्रक्चर है जो सीमेंट से बना हुआ है। तो ऐसे होते हैं कोनोटेशंस, ठीक है। तो आपको ये कोनोटेशंस थोड़ा सा पढ़ने होंगे, और अच्छे से क्या करने होंगे, ध्यान रखने होंगे, ये पूरे आप पढ़ लेना। आपका ये जो मेन चैप्टर है खत्म हो गया, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम अगर आपको देखना हो, कहाँ गया ये सिनोनिम एंटोनिम, एक बार जरूर पढ़ो, ठीक है। रेस्ट इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये चैप्टर इतना ही था आपको करने का।